हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालया डेलेक्ट के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हिमालया हर्बल की टेलेक्ट नाम की यह दवा स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए असरदार आयुर्वेदिक दवा है। यह स्किन की एलर्जी और इम्प्योरिटी को दूर करती है। हल्दी और नीम जैसी नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी यह दवा कील मुहासों से लेकर दांत, खाज खुजली, एक्जिमा और सोरायसिस जैसे रोगों में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं हिमालया टेलेक्ट के कॉम्पोजिशन, फायदे और इस्तेमाल की पूरी जानकारी। हिमालया टेलेक्ट कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म में मिलता है। टेलेक्ट के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हल्दी, नीम, अमलतास, त्रिफला, गुड्डुची, कालमेघ, बिडंग और भृंगराज का मिश्रण होता है। टेलेक्ट सिरप का कॉम्पोजिशन भी ऑलमोस्ट यही होता है। हिमालया टेलेक्ट के फायदे। इसके इस्तेमाल से खुजली और स्किन एलर्जी दूर होती है। कील मुहासे, फोड़े फुंसी आदि को भी दूर करता है। यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर यानी कि रक्त शोधक होता है, खून साफ करने वाला होता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड इम्प्यूरिटी से होने वाली लगभग हर बीमारी में फायदा होता है। दाद, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है और सोरायसिस में भी फायदेमंद होता है। चेहरे का लाल होना, नाक, गाल और माथे में सूजन होना जैसी प्रॉब्लम भी इससे सेवन से दूर होती है। गर्मी में होने वाले घमोरियों में भी इससे काफ़ी फायदा होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्किन प्रॉब्लम के लिए सिंपल और असरदार दवा है। आइए अब जानते हैं हिमालया टेलेक्ट का डोज और इस्तेमाल करने का तरीका। एक से दो कैप्सूल दिन में दो बार पानी के साथ लेनी चाहिए और खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। इसका सिरप लेना हो तो दो चम्मच दिन में दो बार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोज लेना चाहिए। बच्चों के लिए सिरप यूज़ करना अच्छा रहेगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आप इसे किसी मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इसी तरह की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।